अम्मी देखो, तुम मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में नहीं रोक सकते, समझे? सलाम रुखसार, कैसी हो? जी, आप कौन? क्या हुआ, तुम मुझे पहचान नहीं रही? क्या हो गया? खाला, अम्मी मुझसे नाराज हैं। हाय, वो क्यों खाला? क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी झोली खुशियों से भरना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझसे बोला कि पहले तू बाल्टी भर ले और मच्छर मार दिया। मच्छर मार दिया? मेरे घर पे मच्छर था ना। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती, रुखसार बहन इतनी नाराज है। अब आप देखिए। दिखाओ। अम्मी, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ। देख लिया आपने? खाला, अभी आप जाइए, जब अम्मी ठीक हो जाएंगी तो आप आ जाइएगा। अलविदा। अलविदा। अम्मी देखो, मुझे बार बार अम्मी कहकर मत बुलाओ। ओहो, गुस्सा बाद में कर लीजिएगा, उससे पहले लजीज बिरयानी खा लीजिए। भूख नहीं है मुझे। वो लवला बेबी छा गई करीब में। जिनू, तुम्हें पता है ना, अब खाने की बेइज्जती मतलब खुदा की बेइज्जती। भरती लजीज बिरयानी, ऐसी लजीज बिरयानी तो कभी नहीं मिलती। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं रायता होता तो इस बिरयानी से निकाह कर लेता। नहीं जिनू, लेकिन ये बिरयानी तुम्हारे लिए नहीं है, ये बिरयानी इन मोहतरमा के लिए है। पर जब ये मोहतरमा इस खुदा की नियामत की इतनी बेकदरी कर रही है तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? कोई बात नहीं, इस बिरयानी को खराब हो जाने दो। रुको रुको, मैं खा लेती हूँ। ऐसे नहीं, एक शर्त पे आपको ये बिरयानी मिलेगी। क्या? आपको अंदर चले खाना होगा। यास्मीन, मेरी बच्ची। हमें माफ कर दीजिएगा अम्मी, हम ना ही एक अच्छी बेटी होने का फर्ज निभाना है और ना ही एक अच्छी शहजादी होने का। शहजादी, तमाम कोशिशों के बाद भी हकीम साहब उस बहरूपिया को बचा नहीं पाए। सिर्फ एक ही इंसान था जो हमें बता सकता था हमारे अब्बू जान कहाँ है, और वो भी मारा गया। तुम जानती हो पिती, हमें यकीन हो गया है, उस दिन वहां खैरात बांटने के समय हमने अपने अब्बू को देखा था और हम उन्हें पहचान नहीं पाए। तरीके जालिम में हो गए अम्मू। शहजादी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। बादशाह सलामत की गैर हाजिरी में आप ही तो है सहारा बगदाद के लिए। लेकिन हमारा सहारा तो खो गया ना पिती, अम्मू के बिना हम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। शहजादी, बादशाह सलामत ने आपको ऐसे मुश्किल वक्त के लिए तैयार किया है, आपको इतना कुछ सिखाया है, ऐसे उम्मीद हाना नहीं सिखाया आपको। अब आप अपना आंसू पोछिए, फिर वो शहजादी बनकर दिखाइए
जिससे आपके अब्बा हुजूर का आप पर फख्र हो। तुम ठीक कह रही हो बुद्धि, हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। पर आप करेंगे क्या? हम अब्बू की तलाश में शहर के बाहर जाएंगे और अब्बू को अपने साथ वापस लेकर आएंगे। अलादीन, तो सुना होगा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। मतलब तुमने अम्मी के खाने में सोने की दवा मिला दी? हाँ था, मिला दी। कम से कम कुछ देर तो अम्मी सुकून से सो जाए। हाँ जीनू, अम्मी को घर में रखने का और कोई तरीका भी तो नहीं था। अका, मैंने अपना सारे जादू याद कर लिया लेकिन हथुआ के काट का इलाज नहीं मिला। आज तक मैं किसी मुश्किल में फंसा हूँ, अम्मी ने मुझे हमेशा राह दिखाई। जब राह दिखाने वाला सब कुछ भूल गया तो हम मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे जिनू? आका, आका, क्यों नहीं तुम उनसे मदद मांग लेते हो? वो तो तुम्हारी हर वक्त मदद करते हैं ना। वो क्या नाम है उनका? दुल्दुल चाचा। दुल्दुल नहीं, बुलबुल चाचा जिनू। और उनकी दौलत इल्म है, उन्हें जादू नहीं आता। अम्मी को जादू ही खतूबा ने काटा है, अब कोई जादूगर ही हमारी मदद कर सकता है। तो फिर कौन हमारी मदद कर सकता है? जिनू, अब जैसे जहर जहर को काटता है वैसे जादू जादू को काटेगा। तुम तो जादू दुनिया से तालुक रखते हो ना, क्या तुमसे कोई बड़ा जादूगर नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सकता हो? मुझसे बड़ा जादूगर? मुझसे बड़ी जादूगरनी तो मलिका है, लेकिन अब तो वो पत्थर की बन गई है। और आका, अगर वो जिंदा होती भी तो वो किसी की मदद नहीं करती। वो तो इतनी बुरी है कि अगर किसी के घर में आग लगी हो तो वो बुझाएगी नहीं, उस पर भुट्टे सेकेगी। उससे मैंने ना जाने कितनी बार कहा मुझे जादू की किताब से जादू सिखा दो, उसने जादू की किताब छोड़ो, उसने उसका एक पन्ना तक नहीं दिया। और एक बार तो मलिका के महल में एक जादू किताब का खाना है जिसकी हिफाजत उड़ने वाली तिलिस्मी किताबें करती हैं। तो क्या वो किताब खाना अभी भी है? हाँ, होगा। तुम वहां गए हो? नहीं नहीं आका, मैं वहां कभी नहीं गया। मुझे मोटी किताबों से बहुत डर लगता है। आका, वहां बहुत खतरनाक किताबें हैं। कुछ किताबें काटती हैं, कुछ किताबें उड़ती हैं और कुछ किताबें सर पे मारती हैं। और आका, कुछ किताबें तो इतनी खतरनाक है कि वो कभी खत्म ना होने वाली कहानियां सुनाती हैं। इंसान की सांसें खत्म हो जाए लेकिन उनकी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। तुम डरो मत जी, तुम मुझे बताओ कि वो किताब खाना कहाँ है। ये लीजिए, कुछ खा लीजिएगा। बेटा, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। अगर आपको दुआ करनी है तो ये दुआ कीजिए कि हमें हमारे अब्बू जल्दी मिल जाए।
पानी पीजिए। हम भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, पर हम अब्बू की तलाश कहां से शुरू करें? शुक्रिया बेटा। जी, तो ध्यान रखिए। उधर को काला चोर, पकड़ो उसे। मैं वहां अकेला जाकर अम्मी का इलाज पता करके आ जाऊंगा जीनू, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। नहीं नहीं आका, उस जादुई जगह तुम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उस जादुई जगह सिर्फ जादुई शख्स जा सकते। आका, तुम यहां रहकर अम्मी की खिदमत करो। इस बार अम्मी की मदद उनका छोटा बेटा ही करेगा। बस मेरे लिए दुआ करना। अम्मी की जान अब तुम्हारे हाथों में है जी। लेकिन आका, यह भी मुमकिन है कि वहां खतुबा के काटने का इलाज ना भी मिले। लेकिन जब बात अम्मी की आती है तो बेटा खुदा को भी ढूंढ लेता है, तो इलाज क्या चीज है? हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है जिन्हें, हमें हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे। कोई बात नहीं आका, मैं चाहूंगा। हाथे बाते कहीं चटाते जादू वाले चले पटाके। अम्मी को बचाना है, किताब खाने जाना है। होश में आओ बादशाह शाहनवाज, आज तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। शहजादी ने ऐसा क्यों कहा कि उसने बादशाह शाहनवाज का जैसा दिखने वाला एक इंसान महल के बाहर देखा? नहीं हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। बादशाह शाहनवाज तो हमारी कैद में है। इस बात का खुलासा भी हो जाएगा। हुजूर, आपको अपने वफादार सूबेदार पर इतना भी यकीन नहीं? लोगों को धोखा देते देते हमने यही सीखा है कि धोखा वही खाता है जो यकीन करता है। इसलिए ये बुरी आदत हमने कभी डाली नहीं। यकीन के खेल हमने बहुत खेले हैं। आज से 20 साल पहले हमने बादशाह शाहनवाज को अपने उम्र पर जो इतना यकीन था, तो हमने उसी वफादार उम्र के खिलाफ गद्दारी का सबूत पेश करके उसे महल के बाहर फेंकवा दिया। बताओ बताओ, क्यों मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगाया तुमने? बोलो, मेरा घर, मेरी रुखसार, मेरी जिंदगी को जलाकर राख क्यों किया तुमने? जवाब दो, नहीं तो मौत के फरिश्ते भी तुम्हें यहां से बाहर नहीं ले जा पाएंगे। शाहनवाज, जवाब दो, बोलो। हम तो फरिश्तों पर भी यकीन नहीं करते। और सुनो, वो इंसान जो बादशाह शाहनवाज की रखवाली कर रहा है, उसे यहां से फौरन दफा करो। से पता नहीं चलना चाहिए कि आखिर मुच्छड़ है कौन। जी हुजूर। जवाब दो, बोलो। Thank you.
कौन है? कौन है? लाइए ले। आपको खाना खा के बेहतर लग रहा है? अब मैं चलती हूँ। वो जी खाने के लिए शुक्रिया। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? हाँ, बस थोड़ी आंखें भारी हो रही है, चक्कर सा आ गया। तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए। मतलब मैं आपसे रुकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जब आपकी आंख खुले आप चले जाइएगा, तब तक के लिए आप यहाँ आराम कर सकती हैं। निकम्मा बेटा कहाँ है? अलादीन, मेरे बेटे को निकम्मा मत कहिए भाभिया। कहाँ खो गई हैं अम्मी आप? बस आ जाइए। आप भी तो कहती थी ना, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना, उससे डरना नहीं चाहिए। क्या डरना जिसे छोटी सी शमा भी हरा दे? मेरी शमा तो आप में, आप भी हार मत मानिएगा और ना ही आपके बेटे हार मानेंगे। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। बाजार से जाकर उनके लिए सेब और खजूर लेकर आता हूं। तो बहुत अंधेरा है, आते पाते दही चटाके जादू वाले तेले पटाके, अंधेरा बहुत है अंधेरा दूर कर दे, आंखों की खातिर रोशनी कर दे।
मलिका। अच्छा तस्वीर, अगर मेरे पांव होते तो आज भी मलिका की खौफ से कांपती। क्या करूं, तू वापस चला जाओ। नहीं नहीं, मैं तो अम्मी के इलाज के लिए वो जादुई नुस्खा ढूंढने आया हूं, उसके बिना मैं नहीं जाऊंगा। बादशाह को देखने आया हूं, तसल्ली कर लो। आपको कुछ वक्त के लिए यहां से जाना होगा। क्यों? इस इंकलाब में मैं भी एक मौरा हूं और आप भी। मौरे सवाल नहीं करते। ठीक है, मैं कुछ वक्त के बाद आता हूं। ए रुक, ए पकड़ो, रुक पकड़ो वो काला चोर। वो रहा काला चोर, पकड़ो उसे। नकचड़ी तुम! मुझे लगा कि ये काला चोर चिल्ला चला के मेरे पीछे पड़े, इसलिए मैं यहाँ चुप गया। और तुम ये काली चोरनी के लिबास में दिन दहाड़े बीच बाजार में क्यों घूम रही हो? इससे अच्छा अपने गले में एक तख्ती डाल लो और लिख दो, मुझे पकड़ो, मैं हूँ काली चोरनी। काले चोर के कुछ कानून होते हैं, उसूल होते हैं। चोर उसूल और कानून तोड़ते हैं, बनाते नहीं है। पर हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है लिबास पहनने की। लेकिन अकल की तो जरूरत है ना। इस लिबास को पहनकर घूमना है तो अंधेरे में निकलो, अंधेरे में घूमो। आखिर हो तो तुम लड़की, तुम्हें लगता होगा कि मैं लिबास पहनूं और कोई मुझे देखे ना, फिर क्या फायदा? इसलिए ना, इसलिए तुम ये लिबास पहनकर दिन में घूम रही हो। हम अगर परेशान नहीं होते तुम्हारी इस बदतमीजी का जवाब जरूर देते। अब मतलब मेरी तरह तुम भी परेशान हो? उधर देखो, इधर ही कहीं होंगे। तुम्हारा इस तरह यहां रुकना सही नहीं होगा। तुम किताबों से तो ऐसे चिपकी हैं जैसे पढ़ लिख के यही हकीम बनेंगी। लगता है इन किताबों को इतने बरसों से किसी ने छुआ ही नहीं। जहां तक मुझे ध्यान है, मलिका जादुई नुस्खों के लिए लाल किताब को पढ़ती थी। लेकिन इतनी बड़ी किताबखाने में उस लाल किताब को कहां ढूंढूंगा? कहां होगी वो लाल किताब? अरे अरे लाल किताब, रुक जा। अरे अरे रुक जा लाल किताब। अरे बचपन में मैं किताबों से दूर भागता था, अब किताबें मुझसे दूर भाग रही हैं।
रुक जा। अरे लाल किताब रुक। लाल किताब। अरे लाल किताब की बहनें मुझे मार रही है, बचाओ बचाओ। लगता है इस किताब घर की इसमें किताबें जाग गई हैं, ये मुझे लाल किताब नहीं पढ़ने देंगी। बचाओ मम्मी, अब क्या करूं? पर अब मैं खा खा के परेशान हो गई हूं। तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते, लेकिन कहते हैं ना दर्द बांटने से थोड़ा कम हो जाता है। अगर तुम्हारे जहन में किसी भी तरह की परेशानी है तो तुम उसे हमें बांट सकते हो। ये गम कम नहीं होगा नकचड़ी, मेरी अम्मी जो मेरे बीमार होने पर मेरे बगल में बैठकर पूरी रात काट देती थी, जो मेरी एक खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहती, आज उनकी तबीयत बहुत खराब है। और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। हम बगदाद के सबसे अच्छे हकीम को जानते हैं, हम तुम्हारी अम्मी को हमारे साथ वहां ले चलेंगे। शुक्रिया नक्षड़ी, लेकिन मेरी अम्मी की बीमारी का इलाज किसी हकीम के पास नहीं है। मैं अपनी अम्मी के बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। किताब, अगर तू लाल है तो मैं भी अम्मी का लाल हूं। कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना भी दर्द हो, चाहे इस लाल किताब की पहने मुझे कितना भी मारे, लेकिन मैं अपनी अम्मी के इलाज के लिए वो जादुई नुस्खा लिए बिना नहीं जाऊंगा।
बाढ़ नहीं सकते, ना ही कम कर सकते, लेकिन समझ जरूर सकते हैं, क्योंकि हमारी भी हालत कुछ ऐसी है। किसी अपने को खोने का डर और बेबसी बहुत तड़पाती है। हमारी अब्बू काफी दिनों से लापता है, वो हमारी जिंदगी है, हमारी दिल की धड़कन है, और अब वो हमसे दूर चले गए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी दिल की धड़कन हमसे दूर चली गई हो। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। अभी कौन सा गाना है? तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। खतूबा के काटे का इलाज वही बता सकता है जिसे सब है पता, सब कुछ है पता। केवल यही खराबी है, उसका घर ईरान के जैसा है, वो हर सवाल की चाबी है। अल्लाह अल्लाह बीबी, छा गई करीबी। पहली का क्या मतलब है? सब कौन है जिसे सब पता हो और घर ईरान की जैसा हो? कौन सी चाबी है? अल्लाह अल्लाह बीबी, छा गई गरीबी, अब समझा। ईरान मतलब मेहरान, मेहरान की घाटी, और जिसे सब है पता और सब कुछ है पता, सिर्फ यही खराबी। ये तो वो है, हाँ हाँ वही है, जिसे सब कुछ पता है, मेहरान की घाटी में रहता है, वो हर सवाल की चाबी है। खतूबा के कांटे का इलाज उसी के पास है। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। ऊपर वाले नकचड़ी को उसके अब्बू से मिला देना। या खुदा, काले चोर की अम्मी को बचा ले। दूर वो जा चुके हैं, तशरीफ लाइए।
मेरे बादशाह। अपने वजीर आला का सलाम कबूल करें। बादशाह सलामत। आप बादशाह तो हैं लेकिन सलामत नहीं रहेंगे। आपके मरने का वक्त आ चुका है। आज तक तुम्हें जिंदा इसलिए रखा था ताकि हम खुद अपने हाथों से तुम्हें मार सकें। इस शहर का आखिरी खुराक तुम्हें दो दिन में मार देगा लेकिन हम तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। बस धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारेंगे। क्या कहा था हमने? अपनी किस्मत हम खुद लिखते हैं। तो लिख दी। आज से दो दिन बाद बगदाद और वो जादुई चिराग हमारा होगा। चले हो ना? रुखसार आप मैं भी हूँ। ये भी है। रुखसार बहन कैसी हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? खबर मिली तो हम दौड़े चले आए। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, जब से तुम्हारी तबीयत के बारे में सुना नाज़नीन के आंसू नहीं रुक रहे। इतने आंसू तो नाज़नीन इनकी मैयत पे नहीं बहाएगी। पर आप लोग हैं कौन? मैं तो आप लोगों को नहीं जानती। बहुत अच्छे बहन। इसका मतलब तुम रुखसार नहीं हो? फिर तुम हो कौन? जी देखिए मुझे याद नहीं है। आप लोग जाइए यहाँ से। बेगम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बेगम लगता है इसका जाने का वक्त आ गया है। पर जाते हुए इंसान को सताना नहीं चाहिए। चलो सड़े हुए केले के पिलपिले छिलके। इसकी भूलने की बीमारी हमारे लिए खजाने की चाबी है। अगर हम यहाँ से कुछ भी ले गए इसे याद तक नहीं रहेगा। तो चलो बहन तुम तो थक गई। बैठो बैठो। हमसे गलत फहमी हो गई। तुम वाकई रुखसार नहीं हो। अब पर ये घर रुखसार का है। दरअसल रुखसार हमसे कुछ चीजें ले गई थी उधार। हम वही वापस लेने आए हैं। हमें इसकी जरूरत है। चीजें आपकी है। घर रुखसार का है। आपके दिल में जो है आप कीजिए। घर बेशक रुखसार का हो पर तबीयत तो तुम्हारी खराब है। लेटो लेटो आराम से। हाँ सुकून से लेट जाइए। मैं चादर उड़ा देती हूँ। हाँ सुकून से सो जाओ। हम अपनी चीजें लेकर रवाना हो जाएंगे। बल्ला बल्ला बीबी छा गई गरीबी।
शेख जीजू, आप यहाँ कब आए? हमने तो आपकी आहट भी नहीं सुनी। वो क्या है ना, मैं बहुत चुपचाप आता हूँ। लोग दबे पाँव आते, मैं बिना पाँव आता हूँ। मेरा मतलब है मैं बिल्ली की तरह चलता हूँ, लेकिन मैं हूँ बिलोटा बिलोटा लोटा मोटा। अरे तुम भी कुछ बोलो। जिनू ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अम्मी के मर्ज का इलाज मिला? मिल गया, अम्मी के मर्ज का इलाज मिल गया। जिनू 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 मेरे भाई, क्या बात है, मैं कौन दिखाया? चलो बताओ क्या इलाज है। इलाज क्या है वो पता नहीं। मतलब मेरा मतलब इलाज क्या है वो पता नहीं, लेकिन जिसके पास इलाज है उसका पता चल गया। उसको सब पता है, उसके पास सभी सवालों की चाबी है। उनका नाम है इल्मी बाबा। चिल्मी बाबा? इल्मी, चिल्मी नहीं, इल्मी, इल्मी बाबा। इल्मी बाबा कौन है? अरे वही जिन्हें सब पता है, जिन्हें दुनिया के सारे सवालों का जवाब पता है, जिनके पास अम्मी का इलाज है। तो फिर हमें उनके पास तुरंत चलना चाहिए जिनू। उनके पास खतूबा के जहर का काट भी होगा। शेख जिनू, इल्मी बाबा हमें अपने अब्बू को ढूंढने में भी मदद कर सकते हैं क्या? बोलिए ना शेख जिनू, वो हमारी मदद कर सकते हैं क्या? हमारे अब्बू बहुत दिनों से लापता हैं। हाँ हाँ, इल्मी बाबा आपकी जरूर मदद कर सकते हैं प्यारी परेशानी जी। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब इल्मी बाबा के पास ना हो। शेख जिनू, आप खुदा के लिए हमें अभी अभी उनके पास ले जाइए। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हमें अभी इल्मी बाबा के पास ले जाइए ना शेख जिनू। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब इल्मी बाबा के पास ना हो। तो शेख जिनू, आप खुदा के लिए हमें अभी अभी उनके पास ले जाइए। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हमें अभी इल्मी बाबा के पास ले जाइए ना शेख जिनू। अब नक्षड़ी, हम दोनों चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे अब्बू मिल जाए, लेकिन ऐसी जगहों पे बेहद खतरा होता है और कहीं खतरनाक ताकतें भी होती हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती, इसलिए तुम्हारा चलना मुनासिब नहीं होगा नक्षड़ी। हमें किसी भी खतरे की परवाह नहीं, आखिर तुम तो हमारे जज्बात समझते हो ना, हम तो एक ही कश्ती में सवार हैं। जानता हूं नक्षड़ी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। जब बात अपनों की जिंदगी पर आती है तो एक इंसान हर कोशिश करना चाहता है, हर उम्मीद पे यकीन करना चाहता है, पर हमारे पास अपने अब्बू को ढूंढने के लिए इससे बड़ी उम्मीद नहीं है। हमें अपने साथ ले चलो, हम किसी भी खतरे से टकराने के लिए तैयार हैं। सच कहा नक्षड़ी, माँ बाप की मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि औलाद उसके लिए मौत से भी लड़ जाता है। मेरे साथ चल सकती हूँ। सच? शुक्रिया। जिनू, अब तुम मुझे ये बताओ कि इल्मी बाबा तक कैसे पहुंचना है? इल्मी बाबा को ढूंढना इतना आसान नहीं, उन्हें और उनके इल्म को कई जादुई ताकतों ने कैद करने की कोशिश की, मगर वो किसी के हाथ नहीं आए। लेकिन शेख जिनू, हमारे इरादे नेक है, हम उनसे सिर्फ मदद चाहते हैं, आप हमें उनका पता बताइए। वो मेहरान की घाटी में रहते हैं। मेहरान की घाटी? हमने मेहरान की घाटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। वो बगदाद के मशरिकी छोर पर लगभग 200 मील दूर है, लेकिन कहते हैं कि जो भी वहां पर जाता है कभी वापस लौट के नहीं आता। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मेहरान की घाटी के रास्ते में बुरी ताकतों का साया है।
علمی بابت تک پہنچنے کا سفر بہت مشکل ہے, ہر موڑ پہ خطرہ ہے, اسی لیے علمی بابا آج تک کسی کے ہاتھ نہیں آئے. سفر شاید کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو جناب, میں اپنی منزل تک پہنچ کے رہوں گا. امی کے خاطر میں موت سے لڑ سکتا ہوں تو پھر یہ مہران گھاٹی کیا چیز ہے. میں وہاں جاؤں گا بھی اور امی کے لیے لوٹوں گا بھی. ہم اپنے ابو کے لیے بڑی سے بڑی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں. تو پھر دیر کس بات کی, چلے علمی بابا سے ملنے. نہیں نہیں جنو, تم یہی رکو, امی کو تمہاری ضرورت ہے, تمہیں امی کا دھیان رکھنا ہوگا. اب آگے جو کرنا ہے وہ میں کروں گا, تم یہاں رہ کر امی کا دھیان رکھنا. چوک میرے میرے بھائی. جنو, امی کو بچانے کی امید جو تم لے کر آئے ہو, سمجھ نہیں آ رہا کہ کس منہ سے تمہارا شکریہ کروں. اپنوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے, اپنوں سے محبت کرتے. یہ بات بھی تم نے اور امی نے سکھائی ہے, اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تم لوٹ کے نہیں آؤ گے میں امی کے ساتھ رہوں گا, امی کا پورا خیال رکھوں گا. بھلے یہ بیٹا دوسرے بیٹی کی جگہ نہ لے سکے, لیکن دونوں بیٹوں کا فرض تو پورا کر سکتا ہے نا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, امی کا تم کتنا بھی دھیان رکھو, ان کا چہیتا بیٹا میں ہی رہوں گا. اسی لیے تو تم مہران کی گھاٹی جا رہے ہو. اب جلدی جاؤ, ہمارے پاس صرف دو دن کا وقت ہے, اور میں چلا امی کے پاس. اپنا دھیان رکھنا جنو, اور امی کا بھی. تم بھی اب جاؤ. چلیں. الوداع شیخ جنو. رستم بغداد, اب یہ باندھ لو. ہاں نہیں ہو رہا, قسم سونے کی اشرفیوں کی, نہیں اٹھایا گیا. پوری آدھی روٹی گٹک جاتے ہو, اتنا سا وزن نہ اٹھا جا رہا. بڑا احسان کرتی ہو مجھ پر بیگم. اور نہیں تو کیا, میں بھی ہاتھ لگاتی ہوں. دیکھو لگا رہی ہوں, میں بھی ہاتھ لگا رہی ہوں. اٹھاؤ, لگا رہی ہوں ہاتھ. اٹھاؤ اٹھاؤ. ارے ارے, سارا وزن مجھ پہ ڈال دیا. شیخ جنو آپ یہاں؟ شیخ جینو, کہیں آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ ہم یہاں سے کچھ چرا کر لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں, دراصل بہت سال پہلے رخسار نے ہم سے چیزیں ادھار لی تھی, ہم وہی واپس لینے آئے ہیں. واہ, بالکل صحیح کہا بیگم تم نے. اب شیخ جینو کو برسوں پہلے کی ابھی جھوٹی بنائی ہوئی کہانی کیسے معلوم ہوگی؟ اب تو بے حیا رشتے داروں کے قصے سنے تھے, لیکن آج دیکھ بھی لیا. آپ دونوں نے مجھے بیوقوف سمجھا ہے. اگر یہاں سے ایک چمچ بھی ہلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. آپ غلط سمجھ رہے ہیں شیخ جینو. ایک کام کرتے ہیں, رخسار کے ساتھ ہمارا حساب ہے, ہم رخسار سے آ کے حساب کر لیں گے. ابھی چلتے ہیں. نہ, حساب تو ہوگا, آج ہی ہوگا, لیکن آپ دونوں کا. امی کی طبیعت کا فائدہ اٹھانے والوں کو
चीनू की अदालत माफ नहीं करेगी। आप दोनों होंगे गिरफ्तार, क्योंकि यहां आएगा कोतवाल। शेख जीनू, मुझे बख्श दीजिए। इस चुड़ैल ने आंखें दिखाकर मुझसे ये गुनाह करवाया है। सजा देनी है तो इसे दीजिए। अम्मी, अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करिए। अचानक चक्कर सा आ रहा है। कोई बात नहीं अम्मी, आप लेट जाइए, लेट जाइए। सुना है मगरिब के रेगिस्तान में किसी चूजे को जूते पड़ने वाले हैं। घर चलो, बताती हूँ। वो सब बाद में देख लेंगे बेगम, फिलहाल यहाँ से तुम चलो। शेख जीनू, आप भाभी जान का ख्याल रखिए। हम मतलब मैं चलता हूँ। हाँ। अम्मी की बिगड़ती तबीयत का मतलब हमारे पास वक्त बहुत कम है आका। मेहरान की घाटी से जहर का काट जल्द ले आओ। तुम तो कह रहे थे तुम्हें मेहरान जाने का रास्ता पता है, पर हम तो कब से चले जा रहे हैं और बगदाद तो कब का पीछे छूट गया। रास्ता है तभी तो चल रहे हैं। यकीन करो नकड़ी, हम मेहरान की घाटी जल्द पहुंच जाएंगे। सब्र रखो। कहाँ रखे, तुम्हारे सर पर रखे। मेहरान की घाटी यहाँ से मीलों दूर है। हम चलते चलते गए ना तो जब बूढ़े होंगे तब वहाँ पहुँच। छोटे से सफर में सात क्या गई, तुम तो बुढ़ापे तक का ख्वाब देखने लगी। बकवास बंद करो, ऐसे चलना नहीं पड़ता अगर तुम वो घोड़े ले आते। अर्थ क्या है, रास्ता है बहुत लंबा, वक्त है बहुत थोड़ा, इसलिए तो हम दोनों ने नहीं लिया घोड़ा। मतलब ये कि हम उससे सफर करेंगे जो घोड़े से भी तेज चलता है। और वो क्या है? इससे तेज हमें मेहरान की घाटी तक कोई नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए हमें तुम पर इतना गुस्सा आता है। ये रुमाल हमें मेहरान की घाटी तक पहुंचाएगा। हाँ नकड़ी, क्योंकि इतने संजीदा हालात में तुम्हें मजाक सोच रहा है। हमारे अबू लापता है, तुम्हारी अम्मी बीमार है। नकड़ी मुझे तुम ये देखो, लो गया तुम्हारा रुमाल, अब तो तुम नाक पहुंचने के लायक भी नहीं रहे। इसीलिए काट के उलू हम तुमसे कहते हैं, ज्यादा ना हवा में उड़ने की कोशिश। जादुई कालीन नकचड़ी, इसलिए तो मैं तुम्हें शहर से यहाँ पे लाया, वरना मैं बगदाद में से दिखाता तो सबका मुंह तुम्हारी तरह खुला का खुला रह जाता। वैसे ये कालीन अब उड़ने के लिए तैयार है। जादुई दुनिया में पहला कदम मुबारक हो नकचड़ी। ये क्या है? ये कालीन है या कबूतर? हवा में कैसे है? जादू से। लेकिन तुम तो जादूगर नहीं हो। चोर तो हूँ ना नकचड़ी, जादूगर से चुरा ली। तैयार हो? हाँ। चल मेरे कालीन, हमें मेहरान की घाटी तक पहुंचा दे।
अपनी आंखें खोलो नकचड़ी, तुम्हारे नाखून चुभ रहे हैं। घर जाके अपने नाखून काट लेना। आधे चांद को देखता हूं तो अम्मी की याद आती है, वो भी इतनी खूबसूरत है। और पूरा चांद देख रहे हो तो किसकी याद आती है? अपने भाई जीनू, वो भी इसी चांद जितना गोल है। बिल्कुल हमारे ख्वाब जैसा है। हमने हमने अपने ख्वाब में बिल्कुल ऐसा ही जादुई कालीन देखा था। हम हवा में थे और चांद भी बहुत करीब था। तुम्हारा ये ख्वाब तो बड़ा जाना पहचाना मालूम होता है। क्या उस ख्वाब में कोई और भी था? हमें याद नहीं है, पर शायद तुम भी थे ख्वाब में। ख्वाब में काले चोर को बुलाना ठीक नहीं है। जहां जाता है कुछ ना कुछ चुरा लेता है। चमन गंजे का पैगाम, काला चोर तेजी से बगदाद के मशरकी इलाके की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ख्वाब हकीकत कैसे बन सकता है? और ये कालीन, हम जानते हैं हमने जादुई कालीन को कहीं और भी देखा है। आप, तुम्हें पता है मुझे हर लड़की यही कहती है कि तुम्हें कहीं देखा है, पर तुम पहली लड़की हो जो मेरे कालीन से भी कह रही हो कि हमने तुम्हें कहीं देखा है। हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम भी तो लड़की हो। बचना है हसीनों, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदाएं यारों से जुदा। अब ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। तुम्हारी एक दिन पिटाई भी होगी काले चोर। हमें तुम जैसे चोर में दिलचस्पी होगी कभी नहीं। सच कहा, कहां आप शहजादी और कहां मैं काला चोर। आपको क्या लगा कि मैं आपको पहचानूंगा नहीं?
आपकी बातें, आपके अल्फाज, आपके तौर तरीके, आपका काम एक शहजादी में ही होता है। हम चोरों की शहजादी के, तुम्हें क्या लगा बगदाद की शक्ल देखी अपनी? काली चोर। लक्ष्मी, हम मेहरान की घाटी पहुंच गए। लक्ष्मी, हम मेहरान की घाटी पहुंच गए। काला चोर बगदाद के बाहर क्यों जा रहा है? वो भी बगदाद के मशरिकी इलाके की तरफ। मेहरान की बंजर घाटी है। मेहरान की घाटियों में तो जादुई ताकतों का साया है। उसका एक ही मकसद हो सकता है, इल्मी बाबा। वो कौन है? इल्मी बाबा, जिनके पास हर सवाल का जवाब है, हर राज की चाबी। काला चोर जरूर खतूबा के जहर का काट लेने वहां जा रहा होगा, क्योंकि अब उस रखवाले के पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। उसके बाद वो एक जिंदा लाश बन जाएगा। तुमने तो कहा था खतूबा के काटे का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उस वक्त अलीजा ये नहीं जानती थी कि वो इल्मी बाबा तक पहुंच जाएगा। अगर काले चोर का रखवाला बच गया तो शैतान की कसम तुम्हें हमारे कहर से तुम्हारा जादू तक बचा नहीं सकेगा। गुस्सा कमजोरी की निशानी है जफर, और तुम कमजोर नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ अलीजा है। साथ हो तो साथ दो, जाओ रोको उसे। मेहरान की घाटी जादुई इलाका है, यानी अलीजा का इलाका। काला चोर वहां आएगा और अपनी जान और चिराग दोनों हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। क्योंकि अलीजा जान बन के जान लेती है। मेहरान की घाटी के हर मोड़ पर खतरा होगा, लेकिन अभी तो हम नीचे भी नहीं उतरे। Thank you.
नहीं दिख रहा है। बेटे के तुम जिन्होंने कहा था कि मेहरान की घाटी के हर मोड़ पर खतरा होगा, लेकिन अभी तो हम नीचे भी नहीं उतरे। काला चोर हमारे तूफानी जाल में फंस चुका है, अब वो यहां से नहीं निकल पाएगा। से बैठे बैठे क्यों सो रहा है? अम्मी आप उठ गई? आज आँख कुछ ज्यादा ही जल्दी खुल गई है। अभी तक तो सूरज भी नहीं निकला, तो आराम से सो जा। अम्मी आपने मुझे पहचान लिया? कैसी बातें कर रहा है? मैं अपने जीनू बेटा को नहीं पहचानूंगी क्या? हाँ जीनू, तेरी आंखों में आंसू क्यों? वो कुछ नहीं अम्मी, वो नींद की वजह से आंखों में पानी आ गया था। जीनू बेटा, वो अलादीन कहाँ है? अम्मी वो कुछ काम से बाहर गया है, बस अभी आता ही होगा, आप फिक्र मत करिए। जाने से पहले मुझे उठाया भी नहीं उसने, ऐसे खाली पेट चला गया। नहीं अम्मी, कुछ जरूरी काम था इसलिए गया है। आप फिक्र मत करिए, वो बस अभी आता ही होगा। अभी अभी क्या है, आ जाएगा। ठीक है, मैं तेरे लिए ही कुछ बना देती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, आप आराम करिए, मुझे भूख नहीं है। जीनू बेटा, बच्चों का पेट भर के माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। जीनू? अम्मी, मैं आपको कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। अम्मी ठीक हो जाएंगी। भूख की वजह से ना दिमाग चल गया है तेरा। क्या हुआ है मुझे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हाँ बस थोड़ी सी कमजोरी ही तो है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जल्दी से कुछ बना कर लाती हूँ तेरी। नहीं नहीं अम्मी, आपको मेरी कसम, आप यहाँ पे आराम करेंगी, आप कहीं नहीं जाएंगी, बाकी सारे काम मैं कर लूंगा। अम्मी मैं भले शरीर से भालू जैसा दिखता हूँ, लेकिन फुर्ती में एक तितली जैसा हूँ, मैं सारे काम क्यों कर लूंगा। आप बस आराम करिए अम्मी। मान तो साफ था, तो फिर तूफान कहां से आ गया? बातें मत बनाओ, खुद भी उठो और हमें भी उठाओ। आ।
लगता है मेहरान घाटी के किसी शहर में आ गए। नक्चड़ी, वो देखो हम पहाड़ी के बहुत पास है, चलो इनमें बाबा को ढूंढते हैं। हो गई फंत्रू, अब पहाड़ी तक पहुंचने का रास्ता हमें कैसे मिलेगा? वक्त बहुत कम है और मंजिल बहुत अनजान, जल्दी करो, हमें जल्दी चलना चाहिए। सही कह रही हो, नहीं पापा तो जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी मैं अपनी अम्मी को ठीक कर पाऊंगा और तुम अपने अब्बू को ढूंढ पाओगी। चलो यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है और दूर दूर तक रोशनी भी नहीं है। ये क्या है? बुलबुल चाचा का दिया हुआ तोहफा, अंधेरे में राह दिखाने वाली जुगनू छड़ी। जानती हो बुलबुल जैसा जैसा कोई नहीं है, मेरी हर मुश्किलों का हल उनके किसी नायाब इजाद में जरूर होता है। समझ लो कि मेरी जिंदगी के जुगनू छड़ी है वो। आओ कोई है, कोई है, कोई है, रास्ता सुनसान घाटी मेहरान शहर वीरान, मैं हैरान तुम परेशान, करे तो क्या करें? शहर वीरान है तो क्या हुआ, कोई ना कोई तो होगा ना जो यहाँ रहता होगा, जो हमें रास्ता बताए, लेकिन इतने अंधेरे में कोई कैसे मिलेगा हमें? ठीक है तुम जल्दी मैं अपनी अम्मी को ठीक कर पाऊंगा और नक्चड़ी अपने अम्मू को ढूंढ पाएगी। नक्चड़ी! हाँ क्या हुआ? वहां रोशनी है, जहां रोशनी है वहां जिंदगी है, और जहां जिंदगी है वहां लोग हैं, और जहां लोग हैं वो रास्ता में जरूर बताएंगे और हम इल्मी बात तक पहुंच पाएंगे। तुम वहां क्या कर रहे हो, जल्दी नीचे आओ। हाँ आया। कमबख्त कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया, इतनी देर हो गई, कहीं ये मर्दूत ना आ जाए। ना सो। अरे जल्दी आओ ना, पैरों में मेहंदी लगी है क्या? कहाँ रह गए थे इतनी देर, कब से इंतजार कर रही हूँ। जाओ, नाजो तुमसे नहीं बोलती। नासो, नासो, मैं तो तुमसे मिलने के लिए इस कदर बेताब था कि चला ही नहीं जा रहा था, मुझे समझ में नहीं आया कि कदम कहाँ रखूं। इतने नाराज मत हो। अच्छा ये बताओ, वो लाए हो जो मैंने मंगाया था? हाँ, ऐसा हो सकता है क्या कि नाजो कुछ मंगाए और अक्कू भूल जाए? हाँ
काशी। नाजो, एक बात का ख्याल रखना, ये गैर कानूनी काम है, किसी को अक्कू का नाम मत बताना। अक्कू का नाम नाजो के दिल पे रहता है, जुबान पर नहीं। अच्छा, अब जल्द बीमार पड़ूंगी, फिर आ जाना मेरी हकीम तन्हाई। मैं तो चाहता हूँ नाजो तुम रोज बीमार पड़ो। बहुत अच्छी बात है, रोज बीमार। चल चल। लेकिन लेकिन वो मेरा तोहफा तो कबूल करो। तोहफा? कसम सोने की अशर्फियों की, जरूर सोने के झुमके या बेश कीमती हीरे की अंगूठी होगी। वो सब तो नहीं, लेकिन उससे भी बेश कीमती है। उससे भी बेश कीमती? वाई 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 वाई। ला ला दो दो। पहले आंखें बंद करो। हैं? ये क्या है? गुलाब? बेश कीमती। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की तरह। हीरों से भी बेशकीमती मेरा प्यार, मेरा इशारा। हाँ, हो गया इशारा। बहुत भूख लगी। अरे हकीम चाचा, आप? सलाम चाचा जान। सलाम। अम्मी, आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ बच्चे, कल रात को मेरे सर में बहुत दर्द उठा, इसलिए हकीम साहब मुझे ये दवाई देने आए थे। अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। हाँ। आप जाइए जाइए जाइए। ठीक, अलविदा अलविदा। बहुत नुकसान हो गया भैया, तो एक दो और तीन। बहुत अच्छे तुम। कोई है? कोई है? तूफान से तो बच गए काले चोर, मगर अलीजा की मेहमान नवाजी से कैसे बचोगे? अलीजा जान बन के जान लेती है। वही है? एक बार वापस कोशिश करो, बहुत रात हो गई है, हो सकता है सब लोग सो गए हो। कौन है? दादी, हम मुसाफिर हैं, क्या आप हमें मेहरान घाटी की पहाड़ी तक का रास्ता बता सकती? क्यों नहीं, मैं तो वैसे ही तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। मतलब इस वीरान शहर में भटके हुए मुसाफिरों के अलावा और कौन आता है? मैं सुनील का इंतजार करती हूँ, और वैसे भी इतने लोगों की मदद की है, तुम दोनों की भी कर दूंगी। तुम दोनों थके हुए लगते हो, अंदर आओ। दादी, हम आपको ना ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते, बस हमें रास्ता बता दीजिए, हम चले जाएंगे। तुमने मुझे दादी कहा है, दादी पोते के काम नहीं आएगी तो क्या फायदा? तुम दोनों अंदर आओ, महफूज रहोगे यहाँ पे, आओ। चलो चलो। तुमने अपनी मौत की दहलीज पार की है काले चोर, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता।
भाग गया डर के डरपोक, हड्डी पसली तोड़ देता उसकी। बेगम मैं जरा बाजार क्या गया, तुमने ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं। अबू मम्मी के सर में दर्द है ना, तो हकीम चाचा आए थे। बहुत अच्छे। अबू मैंने बुलाया था सुबेदार अकबर को कागजात के लिए। कैसे कागजात? तुम्हारी मैयत के कागजात। अरे रुखसार के पुराने घर में सुनाया है कोई किराएदार रहता है और बड़ा मोटा किराया दे रहा है। तो अच्छे अकल के अंधे, रुखसार के इन हालात में हम रुखसार का अंगूठा लगवा लेंगे, फिर रुखसार का घर हमारा और किराया भी। बहुत अच्छे। बेगम आज लजीज खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाऊंगा। रोज खाना क्या तुम्हारी अम्मा पका के खिलाती है? चलो अम्मी अपने सरदर्द की दवा तो ले जाइए, वरना हकीम चाचा को गुस्सा आ गया तो। अम्मू बताइए ना। बहुत अच्छे। अम्मू निकल गई भड़ास, अब चलो नाजनीन को भूख लगी है। हाँ। अम्मी, अम्मी। तुम्हारी मोहब्बत का जनाजा तो मैं निकालूंगा। अलीजा को जादुई चिराग का एहसास नहीं हो रहा है, मतलब जादुई चिराग इस वक्त काली चोर के पास नहीं है। तुम दोनों यहाँ रुको, मैं पानी और कुछ खाने के लिए लाती हूँ। शुक्रिया दादी जान। नकचड़ी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अजीब जगह है। अजीब क्यों है? अभी उनके घर में नौकर तो नहीं है ना कि वो अपना घर सजा के रखें। लक्ष्मी मानता हूँ कि वो बुजुर्ग हैं, अकेली हैं, मगर घर में कुछ देखो ना, घर में कुछ भी नहीं है सिवाय इस आईने के अलावा। लक्ष्मी तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा? चोर होना ही से तुम सब पे शक करते रहते हो। बेचारी भी औरत है, वो हमारी मदद कर रही है और तुम उनके घर में खामियां निकाल रहे हो। नकचड़ी मैं घर की खामियां नहीं निकाल रहा हूँ, मुझे बस कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जिन्होंने भी कहा था कि मेहरान घाटी में चारों तरफ जादुई ताकतें हैं, नकचड़ी मैं ये सब कुछ पहले भी देख चुका हूँ। मुझे तो ना तो ये बुजुर्ग औरत ठीक लग रही है और ना तो ये आईना। आईना 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 अक्षर, ऐसा क्या है इस आईने में? क्या देखा तुमने? दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। कहाँ? इसमें तुम दिख रही हो। तुम लड़कियों को बस ये आईना मिल जाए, सारा दिन इस आईने के सामने गुजार सकती हो। काले चोर हमें गुस्सा मत दिलाओ। काले चोर हमें गुस्सा मत दिलाओ। देखी तुम अलविदा। तेरा शक बिल्कुल ठीक था काले चोर, मगर अब तो बहुत देर हो चुकी, तू अलीजा के जाल में फंस चुका है।
हमेशा हमेशा के लिए।